मेरे पीछे, क्या जबरदस्त आ रहा है एकदम। धूप पे धूप जो है चेहरे पे ऐसे मस्त लग रही है। और ये पीछे गंगा नदी, मतलब भागीरथी, जय हो गंगा मैया। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब मस्त। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं लेट्स रोव। और आज आप मेरे साथ चल रहे हैं उत्तरकाशी के एक छोटे से खूबसूरत गांव जिसका नाम है हर्षिल। हर्षिल उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पे, गंगोत्री से लगभग 30 किलोमीटर पहले है। छोटा सा गांव है, बड़ा ही खूबसूरत। आप नज़ारे देखो आप अपने आसपास। ये है सुखी। हर्षिल अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और अभी आप देखो व्यू कितना जबरदस्त हो गया है। अभी हमने सुखी टॉप तो क्रॉस कर लिया है और सुखी टॉप से आगे बढ़ रहे हैं। और सुखी टॉप से आगे बढ़ते ही आप ये नज़ारे देखो कैसे हो गए हैं। वैसे भी विंटर में जब आप हर्षिल का प्लान करते हो तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ आना चाहिए और मौसम का थोड़ा पता करके आना चाहिए, क्योंकि सुखी के बाद जो सुखी विलेज है उसके बाद रंगत जो है रास्तों की एकदम बदल जाती है। मतलब अभी जब हम चले थे तब रास्ता एकदम क्लियर था और अब सुखी टॉप के बाद आप ये देख रहे हो कि रास्ता एकदम बिल्कुल बर्फ से सराबोर है। रास्ता थोड़ा छोटा है और आप देख रहे हो कि चारों तरफ एकदम बर्फ है, तो रास्ता उससे और भी छोटा हो गया है। हालांकि 2-3 दिन से इसमें फॉल हुई नहीं है, तो बीआरओ वाले क्या करते हैं कि रास्ते पे मिट्टी डाल देते हैं जिससे कि रास्ता गाड़ियों के चलने लायक हो जाए। और गाड़ियां चल भी रही हैं, लेकिन इस रास्ते में दिक्कत क्या है कि जहां पे धूप नहीं आती है तो वहां पे रात में पाला पड़ता है। और वो जो पाला होता है वो जो उस मिट्टी में पहले से आइस होती है उसके साथ मिलके ब्लैक आइस बना देता है। ब्लैक आइस का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो जो अरे बाप रे, थोड़ा आराम से निकाल क्या पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो ब्लैक आइस होती है, जिसका नाम आपने पहले सुना होगा, वो दिखने में तो उतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन सच बताऊं बहुत खतरनाक होती है। गाड़ी स्किड करती है ब्रेक लगाते ही, जो कि ऐसे पहाड़ी रास्तों पे बहुत खतरनाक हो सकता है। जब तक गाड़ी में मोशन है तब तक तो उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी में मोशन नहीं है तो भैया फंसने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। हालांकि मेरे पास तो स्नो चेन्स हैं और स्नो चेन्स ऐसे में काफ़ी अच्छा काम करती हैं जब ब्लैक आइस होती है। तो फिलहाल अभी मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत उसकी लग नहीं रही स्नो चेन्स की। होगी तो ज़रूर लगाएंगे, लेकिन फिलहाल तो गाड़ी अभी आराम आराम से निकल रही है। तो बर्फ़ में धीरे चलें, सुरक्षित चलें। वैसे भी आप लोगों को भी तो इसमें चेन की टेस्टिंग जो है वो दिखानी है, तो इसलिए जब जरूरत लगेगी तो स्नो चेन जरूर लगाएंगे। और अगर आपने वो स्नो चेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये आई बटन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब ये हर्षिल में एंटर करते ही मामला जो है थोड़ा दूसरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर रोड पे स्नो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गाड़ी थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रही है। और दूसरा इशू ये है कि यहाँ पे ना ये स्लोप है, तो गाड़ी की स्पीड को ना बूस्ट अपने आप मिल जाएगी यहाँ पे, तो बड़ा संभल के
चलना है और ब्रेक अप्लाई ना करने पड़े तो बहुत अच्छा है। तो दुआ करो कि आगे से कोई दूसरी गाड़ी ना आए, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी आराम से गाड़ी निकल जाएगी क्योंकि मोशन है गाड़ी में, तो गाड़ी निकलती चली जाएगी। हालांकि डांस करती है बीच में थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, उसको भी इंजॉय कर लेंगे डांस को, लेकिन बस ब्रेक ना लगाना पड़े, बाकी गाड़ी आराम से हर्षिल पहुंच जाएगी। और देखो ये आर्मी ट्रक्स वगैरह में भी चेन लगी हुई है, तो भैया स्नो में जो ड्राइव होती है ना बड़ी ट्रिकी होती है, तो सेफली चलना चाहिए, मतलब सारी प्रिकॉशन के साथ, तो अच्छा रहता है। वापसी में तो भैया लगानी पड़ेगी स्नो चेन्स, हालांकि 10 किलोमीटर में ही है जो स्नो है, सुखी टॉप तक है स्नो, लेकिन उसमें भी इतना इशू नहीं है, 2-3 किलोमीटर का ही इशू है, क्योंकि वापसी में गाड़ी चढ़ेगी नहीं बिना स्नो चेन के, तो लगा लेंगे क्या है, 2-3 किलोमीटर बाद निकाल देंगे फिर, क्योंकि उसके बाद तो मैनेज हो जाता है रास्ता, ये 2-3 किलोमीटर वाला ही मेरे को इशू यहाँ पे लग रहा है। जो आपने देखा ही था वीडियो में कि दोनों गाड़ियां आमने सामने से भिड़ने वाली थी, बच गई क्योंकि सडन ब्रेक अप्लाई नहीं किए और गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम थी, तो उस चक्कर में बच गई, नहीं तो भैया आज पक्का था दोनों गाड़ियां जो है एक दूसरे की चुम्मी जरूर ले लेती आज। सामने वाला बंदा भी थोड़ा सा डर गया था एकदम से, क्योंकि बिल्कुल ही पास चली गई थी गाड़ी, और मेरे को भी लग रहा था कि अरे रुक क्यों नहीं रही है, मतलब बहुत स्लो स्लो करके रोक रहा था, और जाते जाते बिल्कुल मतलब थोड़ा सा जरा सा ही एक हथेली भर का फासला रह गया होगा तब जाके गाड़ी रुकी। खैर अंत भला तो सब भला, क्या कहते हो। लो जी पहुंच गए हर्षिल फाइनली, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो स्नो चेन वाली वीडियो है वो आगे आएगी, और सब्सक्राइब अगर आपने किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम तो करते हैं हर्षिल की वादियों का दीदार, और आप ये वाला काम करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सायोनारा।